खबर है यूपी की, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां के अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ऐसी एक घटना मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय की हमारे सामने आई है, जहां गोवर्धन तहसील के उमरी गांव से प्रधान की शिकायत करने पहुंचे एक दर्जन ग्रामीणों को सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने कार्यालय के सामने से बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी फरियाद तक नहीं सुनी गई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों के आईटीआई के द्वारा जानकारी ली थी, जिससे ग्राम प्रधान की धांधली का सच उजागर हुआ था। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने उमरी गांव के प्रधान के विकास कार्यों की आरटीआई डाली थी, जिसमें उसके द्वारा विकास कार्यों में धांधली का सच उजागर हुआ था। आरटीआई से बौखलाकर प्रधान आए दिन ग्रामीणों को परेशान करता था और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता रहता था। ग्रामीणों पर आरटीआई को वापस करने का दबाव बना रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों पर भी मामले को मिलकर रफा दफा करने की बात कहने का आरोप लगाया है। आज एक दर्जन ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद सीओ सिटी राकेश कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ग्रामीणों की आवाज सुनकर बाहर आए और फरियादियों की फरियाद सुनने की बजाय उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया और दो लोगों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही और ग्राम प्रधान दबंग है, उसी के चलते उस आरटीआई को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आपको किस वजह से आप कलेक्टेड आए थे आज? सर, हमारे उमरी गांव के अंदर प्रधान की जो दबंगई है, हर किसी को चाहता जिसको वो थाने जेल में भिजवा देता है, उस चक्कर में अपन उसकी शिकायत लेकर आए थे वहाँ। उसके जो भी एविडेंस है हमारे पास, जिसमें उसके FIR के उसके खिलाफ जो भी एविडेंस है अपने पूरे अपने हमारे पास हैं, उसको लेकर अपन DM साहब के पास आए थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अपन ने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने धक्का मुक्की कर होकर और हमको वहाँ से दो लड़कों को, एक लेडीज और एक लड़का है, दोनों को वहाँ जेल भिजवा दिया। तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी DM साहब? नहीं, कुछ नहीं सुना हमारी। तो आपके धक्का मुक्की की गई है? धक्का मुक्की हुई थी। क्या नाम प्रधान का? क्या नाम है? बनवारी। कहाँ, कौन से, किस गांव का है? बनवारी उमरी गांव का है, थाना मगोरा है। तो क्या शिकायत आपने प्रधान की पहले कहीं उच्च अधिकारियों से की थी, उसके विकास कार्यों की? क्या मामला था? क्या उसके विकास कार्यों की शिकायत अपन ने की थी, एक्चुअली खरंजा नल की और जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर में उसने किसी की नहीं निकलवाई, ये 10-10 हज़ार रुपये सबके अंदर में ऐठे हुए हैं उसने, उसके अंदर में अपन उसकी शिकायत की आईटीआई डाली है। तो वो बार बार कहता है, DPR साहब भी कहते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई उनसे राजीनामा कर लीजिए आप। वहाँ शिकायत ऐसे ऐसे हमने वहाँ GCO साहब के लिए लिख के भेजा, तो उन्होंने वहाँ देने गया वो एविडेंस लेके, तो उन्होंने क्या किया कि वो एविडेंस जो है ना वो फाड़ दिए CO साहब ने गोवर्धन, और उसको तुरंत 1 महीने के लिए FIR करके वहाँ जेल भेज दिया गया। अब क्या चाहते हैं आप? सर, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, बस जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। सर बताएं, अभी जो लोग कुछ हंगामा मचा रहे थे, क्या मामला? ग्राम पंचायत उमरी है मथुरा ब्लॉक में ही, इनके द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान के विरुद्ध एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कमेटी एक्ट के अनुसार जो कमेटी निर्धारित थी उसके द्वारा कराई गई। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई के लिए पत्रावली DPRO के यहाँ भेजी जा चुकी है, उसी पर कार्रवाई, चूँकि इनकी अदावत होगी प्रधान से, इनके विरुद्ध भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी विवेचना चल रही है। इनके अनुसार अभी जो इन्होंने बताया है कि वो मुकदमा चल रहा है और जो जांच की है, विवेचना गलत बता रहे हैं। तो अगर विवेचना गलत है तो उसको, अगर इनको लगता है गलत है तो संबंधित न्यायालय में विवेचना करके अगर उनके विरुद्ध रिपोर्ट गई है या FIR लगी हो, उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये उस न्यायालय में उससे नोटिस होगा, ये जा करके उसमें अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अनावश्यक कार्यालय पे हल्ला शोर मचाना और राजकीय कार्य में बाधा डालना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं था। हिरासत नहीं है, चूँकि वो इस समय काफ़ी चिल्ला रहे थे तो उनको एक तरह से बैठा दिया गया है, मेडिकल एड के लिए भेजेगा डॉक्टर बुला, ठीक है, और डॉक्टर बुला दिया गया था, चूँकि एक महिला थी वो उनको दिखाने के लिए। नहीं, कार्रवाई इसमें क्या होगी? अगर वो व्यक्ति अपनी कोई बात कहने आया है, बट वो कहने का जो वे है, ढंग है, वो ठीक नहीं था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।